नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कौन मारेगा बाजी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे राघोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। राघोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वैशाली जिले का हिस्सा है। राघोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भाग है। आइए जानते हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हालात के बारे में। वर्ष 2015 में इस वर्ष हुए चुनाव में राजद और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। राजद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार आमने सामने की लड़ाई में रहे थे। तेजस्वी यादव को इस चुनाव में 91,236 वोट प्राप्त हुआ था, वहीं सतीश कुमार को 68,503 वोट हासिल हुए थे। दोनों उम्मीदवारों के बीच 22,733 वोट का अंतर रहा था। वहीं हम बिहार विधानसभा चुनाव 2010 की बात करें तो इस चुनावी वर्ष में सतीश कुमार विधायक हुए थे। वे जदयू के टिकट पर खड़े हुए थे और उन्होंने इस चुनाव में 64,222 वोट हासिल किया था। इस वर्ष इस सीट पर जो दावेदारी थी वह बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी की थी। वे राजद के टिकट से इस चुनावी मैदान में खड़ी हुई थी और उन्होंने 51,216 वोट हासिल किया था। दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर 13,006 वोट का रहा। इस सीट पर वर्ष 2005 के फरवरी और अक्टूबर माह में राजद का कब्जा रहा। राजद प्रतिनिधि राबड़ी देवी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। राघोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2000 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव राजद के प्रतिनिधि के तौर पर विधायक हुए थे। इसी वर्ष उपचुनाव भी हुआ था। इस उपचुनाव में राबड़ी देवी विधायक चुनी गई थी। इस क्षेत्र से वर्ष 1995 में लालू प्रसाद यादव जनता दल से विधायक निर्वाचित हुए थे। वहीं इसके पूर्व चुनावी वर्ष 1990 में भी जनता दल का कब्जा रहा और उदय नारायण राय विधायक चुने गए थे। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से विकास की बात करें तो यहां कई विकास कार्य हुए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुए हैं, कुछ नए सड़कों का निर्माण भी हुआ है। वहीं अगर क्षेत्र के चुनावी मुद्दे की बात करें तो बाढ़ लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। पुल न होने के वजह से दियारा क्षेत्र के लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अधिक सुधार की आवश्यकता है। परिवहन व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो इस साल राजद ने तेजस्वी यादव को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। वहीं एनडीए के तरफ से भाजपा ने अपने पुराने प्रत्याशी सतीश कुमार यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। लोजपा के तरफ से राकेश रोशन चुनावी मैदान में है। कुल मिलाकर यहाँ की लड़ाई दिलचस्प रहने वाली है। अब यहाँ तो 10 नवम्बर को ही पता चलेगा कि कौन इस क्षेत्र से बाजी मारने में कामयाब हो पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।